गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जल के बारे में। क्लास सेवेंथ का चैप्टर है ये, चैप्टर फाइव है और इसमें हम देखेंगे जल के बारे में और जलवायु जल मंडल के बारे में देखेंगे कि जल हमारे लिए कहाँ, कितना और किस रूप में महत्वपूर्ण है। अगर हमारे पास जल है तो ही हम आगे चल पाते हैं, अगर जल नहीं है तो कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी के बगैर जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। मैं निशा सिंह बैस बीपी पुजारी इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ और मैं सोशल स्टडी का जो चैप्टर है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का क्लास सेवेंथ का चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसमें जल है और जल के बारे में हम देखेंगे कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अगर जल है तो ही हम आगे रह पाते हैं, जल है तो कल है, जैसे कि स्लाइड में दिखा रहा है कि जल है तो कल है। तो जब भी हम जल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या बातें आती है? या तो हम ये सोचते हैं कि हाँ मटके में पानी रखा है, या हम नदी में जा रहे हैं नदी के बारे में सोचते हैं, या फिर ऐसे लगता है कि बारिश होती है तो जल किस प्रकार से गिरता है, और कोई झील है और उस झील में हम गए हैं देखने तो वहाँ हमको लगता है कि जल है। उसके अलावा हम सागर के बारे में सोचते हैं, जो महासागर होते हैं, बड़े बड़े जो महासागर होते हैं उनके बारे में भी सोचते हैं। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि जल जो है, जल है तो ही जीवन है। मगर जब बारिश होता है, बारिश में आप लोग ने भी देखा होगा, जब भी बारिश हुआ तो छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है। हम भी छोटे थे तो हमने भी ये देखा था कि छोटे छोटे गड्ढों में जब पानी भरता था तो हम कागज की नाव बनाकर उसको चलाते। ये एक प्रकार का खेल है जो आप लोग भी खेलते होंगे और हमने भी अपने बचपन में खेला है। तो जैसे ही बारिश बंद होती है तो कुछ घंटों बाद ऐसा होता है कि वो जो पानी है वो सूख जाता है, वो धरती के अंदर चला जाता है। सूख जाता है तब हमको भी लगता था कि अरे अभी तो इस गड्ढे में पानी भरा है और अब ये पानी कहाँ चला गया। तो ये धरती के अंदर सूख जाता है, धरती उसको सोख लेती है। और ये इस प्रकार से होता है कि धरती जब अंदर से गर्म होती है तो यही पानी जो है कि वाष्प बनके, मतलब वेपर बनकर ऊपर जाता है, बादलों में जाता है, और बादल में जाकर वो जब ठंडा होता है, मतलब ये जितने भी भाप हैं ये जब उड़ के जब बादल में ऊपर जाते हैं आसमान में, तो ये बादल का रूप लेते हैं, और फिर बादल का रूप लेने के बाद जब ये ठंडा होता है तो फिर से ये वर्षा के रूप में फिर गिरने लगता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वो ही जल नीचे गिर रहा है, फिर उसमें धरती के अंदर जा रहा है, अंदर जाके फिर वो वेपर के रूप में हो रहा है, फिर वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके बादल बन रहा है, फिर बादल बनने के बाद वो क्या होता है, बारिश बन के फिर गिरता है। और जब और उससे ऊपर जाता है नॉर्थ पोल साइड में तो वो आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। फिर और जब ऊपर जाता है पोल से और ऊपर जाता है नॉर्थ से तो वो बादल बन के फिर वो मेल्ट होके या पिघल के फिर वापस वो धरती में गिरता है। तो इस प्रकार से ये जो जल चक्र चलता है वो वही पानी ऊपर जाता है, फिर वही जाके बादल बन के, बर्फ बन के, पिघल के फिर वो नीचे गिरता है, नीचे गिर के फिर वो फिर से ऊपर जाता है। तो ये जो चक्र होता है इसको हम वाटर साइकिल या फिर हम इसको जल चक्र बोलते हैं। हमारी पृथ्वी जो है एक थलशाला के समान है। थलशाला से मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से जो प्लांटेशन घर के अंदर किया जाता है, इसमें एक जार लिया जाता है, इसमें यहां पर देखिए ये जार है, इस जार में कुछ मट्टी डाली गई है, मट्टी डाल के फिर उसमें कुछ पौधे जो बड़े पौधे हैं वो लगाए जाते हैं, उसके बाद उसके आसपास छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं और उसमें हल्का सा पानी को छिड़का जाता है ताकि नमी रहे उसमें, फिर वो जो नमी है वही ऊपर जाकर जार के ऊपर जो ढक्कन है उसमें जाकर वो भाप के रूप में लगता है, फिर वही नीचे गिरता है। तो उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है, हम जो यहाँ पे रहते हैं, वो भी उसी प्रकार से थलशाला के समान ही है। जो जल, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है, मतलब ये कि कोई नया जल नहीं आया है, वो ही जल है जो पहले भी था और अभी भी है। जो अमेज़न नदी से यहाँ आ रहा है, जिसके कारण हमारे यहाँ पूरा जो भी सिंचाई होती है नॉर्थ साइड में, पूर
नॉर्थ साइड में जो भी सिंचाई होती है वो सारी चीज़ें कहाँ से होती है, जो पुराना जो जल है वही जल यहाँ पे आता है। मान लीजिए कि अरब सागर में कोई जल है, जाके वो हो गया है प्रशांत, नए सागर में जाके मिल रहा है, फिर वही बादल बन के ऊपर जा रहा है, फिर वो जाके अमेरिका में कहीं पे जाके जल को, फिर वहाँ से वर्षा हो रही है, वही वर्षा फिर वहाँ हुई, फिर वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो अंटार्कटिक ओशन में जाएगा, फिर वहाँ जाके वही वर्षा करेगा। तो इस रूप में ये जो जल है पूरे की पूरे ब्रह्मांड में ये जल चलता है, और एक ही जल है जो यहाँ से वहाँ जाता है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया जल नहीं लाया जाता है। अवलवन जल के मुख्य स्रोत होते हैं नदी, ताल, सोते और हिमनद। हिमनद मतलब ग्लेशियर। जो पीने योग्य जो जल है वो कहाँ से मिलता है हमको? वो मिलता है हमको नदी से मिलता है, ताल से मिलता है, जो भी सोते होते हैं, और जो हिमनद ग्लेशियर होता है वहाँ से मिलता है। तो ये जो तीन चार जगह है वहीं से हमको पीने के योग्य जो पानी है वो मिल पाते हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। लवणीय मतलब उसमें बहुत ही मात्रा में नमक होता है जिसको हम नहीं पी सकते हैं, NaCl2 बोलते हैं जिसको। सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, और जो खाने के उपयोग में लाया जाता है। तो ये जल किसी भी प्रकार से पीने योग्य नहीं होता है। ये हम देखते हैं कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको जल चक्र कहते हैं। मतलब लगातार जल का जो स्वरूप है वो बदलता है। बदलता कैसे है? वो पहले सॉलिड के फॉर्म में होता है, फिर लिक्विड में आता है, फिर उसके बाद वो गैस के फॉर्म में आता है। मतलब सॉलिड मतलब पहले आइस में होता है, फिर वो लिक्विड में आता है, लिक्विड मतलब वो पानी में आता है, फिर उसके पास गैशियस मतलब वो जो वेपर बन के वापस ऊपर उड़ता है। तो ये तीन जो स्रोत में बदलता है और वायुमंडल एवं धरती के बीच में ही जो चक्कर लगाता है उसको ही बोलते हैं जल चक्र। अब यहाँ इस मैप में हम देखेंगे जल के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर दिया है, बहुत सारे महासागर दिए हैं, उत्तरी अटलांटिक दिया है महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर जो कि साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पास है, उत्तर अमेरिका के पास है। इसी में हमको कुछ नदी भी दिखेंगे और कुछ झील भी दिखेंगे। तो ये अमेजॉन नदी है, बहुत बड़ा पानी का स्रोत। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे मिसिसिपी नदी। तो ये सारे जो नदी हैं, ये झील, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, तो ये जो भी झील हैं, लेक्स हैं, ये पीने योग्य पानी का जो रहता है, करेबियन सी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये महासागर हैं जो पानी के स्रोत हैं, मगर इस पानी को हम नहीं पी सकते। वैसे ही हम अफ्रीका में देखेंगे कांगो नदी दिया है, ऑरेंज नदी यहाँ पे दिया है, नाइजर नदी दिया है, नील नदी दिया है जो सबसे बड़ी है, विक्टोरिया झील दिया है। तो ये सारे जो हैं पीने योग्य वाटर है, जो जिसको हम पी सकते हैं। लाल सागर दिया है, भूमध्य सागर। तो ये जो सागर में जो है, जो महासागर में जो पानी होता है वो हम नहीं पी पाते। वैसे ही यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी, अरब नदी जो है, अरब सागर दिया है, तो ये भी सागर में आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ नदी दिए हैं, कुछ झील दिए हैं और कुछ सागर दिए हैं। तो कुछ ऐसे हैं जिनके हम पानी नहीं पी सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके हम पानी पी सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जल का वितरण किस प्रकार से किया गया है। जल के वितरण से पहले हम इसको देखेंगे कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, मतलब कि नमक की जो मात्रा होती है जल में वो कितनी होती है? 1000 ग्राम होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। मतलब ये कि अगर हम इसको 3500 को अगर हम 1000 से भाग देंगे तो 0.00 कुछ आएगा, मतलब इतना ही जो इतनी जो मात्रा है वो नमक जो है पानी में है। और हमारे पास इतने सारे स्रोत होने के बाद भी हमारे पास पीने योग्य पानी जो है वो बहुत ही कम है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। मतलब हमको ये पता है कि 3/4 जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? मतलब ये कि सबसे ज़्यादा हमारे पास लैंड से ज़्यादा, मतलब थल से ज़्यादा हमारे पास जल है, उसके बाद भी हमको पीने के लिए जल जो मिलती है वो बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो उसका कारण क्या है हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि महासागर,
महासागर है 97.3% जो है वो सिर्फ महासागर में है। अभी हमने इस स्लाइड में देखा था यहां पर कि ये सारे सागर हैं, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया था भूमध्य महासागर, लाल सागर, हिंद महासागर, अरब सागर। तो जो इसका 3/4 मतलब मैक्सिमम जो पार्ट है वो किसमें है, महासागर के रूप में दिया हुआ है। मतलब महासागर का पानी हम पी नहीं सकते हैं। तो जो ज्यादा पार्ट है वो किसमें है, महासागर में है। बर्फ छत्रक मतलब आइस कैप्स जो होता है वो 2 है, 2.0 जो है। भूमिगत जल मतलब भूमि के अंदर जो जल है वो है 0.68%। झीलों का अवलवण जल 0.009। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो हैं वो 0.009 हैं। ये जो है नमकीन झीलें, इनका पानी भी हम पी नहीं सकते। भूमिगत जल जो भूमि के अंदर है उसको भी हम पी नहीं सकते हैं। उसके बाद वायुमंडल में मतलब जो वाष्प में जो है, वेपर के फॉर्म में जो है वो है 0.0019। और सबसे बड़ी बात है कि नदियाँ जिसका पानी हम पीते हैं, जो हमको ज़्यादा यूज़ में आता है, वो मात्र 0.0001% है। मतलब ये कि हमको पीने योग्य जो पानी मिल रहा है वो बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि इज़राइल के मृत सागर मतलब जो डेड ओशन है, वहाँ पर 340 ग्राम प्रति लीटर नमक होता है। मतलब उस पानी में, उस सागर में जो होता है वो नमक होता है 340 ग्राम। इस तभी यह हो पाता है कि तैराक इसमें प्लव करके कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना लेती है, मतलब कि वो उसमें आराम से उसमें स्विम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे दिया है क्रियात्मक में कि मान लीजिए ये 9 चम्मच यहाँ पे दिए हैं, मैंने जैसे 9 चम्मच निकाला, 12 चम्मच है। अब 12 में से 9 चम्मच जो है वो किस में जा रहा है, आपका पूरा की पूरा बर्फ छत्रक में जा रहा है। मतलब पानी जो है 12 चम्मच में बांट दिया गया है। अगर हम उसको एक प्याले में लेंगे, 12 चम्मच पानी डालेंगे और फिर उसके बाद उसमें से हम 9 चम्मच को निकाल के किस में डाल देंगे, बर्फ छत्रक में डाल देंगे। फिर उसके बाद बचेगा कितना, ये 3 चम्मच बचेंगे। 3 में से जो 2 चम्मच है वो भीम जल में चला जाएगा, मतलब ये कि सागर में चला जाएगा, मतलब इस पानी को भी हम पी नहीं सकते हैं। अब बचा कौन सा, 1 चम्मच। 1 चम्मच जो पानी है वो किस में जाएगा, जल में जाएगा, मतलब पीने योग्य जो नदियां में जाएगा। तो ये 1 चम्मच पानी जो है, अब प्याले में कितना बचा, खाली 1 चम्मच पानी बचा। तो ये 1 चम्मच पानी ही ऐसा है जिसको हम पी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि पानी तो बहुत है लेकिन पीने योग्य पानी कितना है, खाली 1 ही चम्मच है, 1 या 1.5 चम्मच है। तो इसलिए ये बोला गया है कि पानी जो है जल है तो कल है। अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम आगे कुछ कर नहीं सकते, ना खाना बना पाएंगे, ना नहा पाएंगे, ना कुछ और काम कर पाएंगे। और अगर पानी नहीं है तो सबसे बड़ी बात यह कि हम जी ही नहीं पाएंगे। पानी है तो इंसान पानी पी के भी जी सकता है, अगर वो नहीं होगा तो इंसान नहीं जी पाएगा। तो इसलिए हम जितना भी यूज़ करते हैं पानी, उसको बहुत ही सतर्कता से यूज़ करें और लापरवाही से उसको यूज़ ना करें। यहाँ पे देखिए एक विनम्र निवेदन है कि पानी बचाया जा सकता है लेकिन पानी बनाया नहीं जा सकता। पानी को हम बना नहीं सकते लेकिन हाँ उसको बचा जरूर सकते हैं। दादाजी ने नदी में पानी देखा, पिताजी ने कुएं में, हमने नल में देखा। मतलब इसमें यह बोला जा रहा है कि जो हमारे दादाजी थे उन्होंने नदी में पानी देखा था, पिताजी ने देखा कुएं में, मतलब नदी में नहीं देख पाए। हमने देखा है नल में, बच्चों ने बोतल में, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो बॉटल में पानी लेके जाते हो, उनके बच्चे कहाँ देखेंगे। मतलब कि अगर हम जल को नहीं बचाएंगे, पानी को नहीं बचाएंगे, तो वो एक प्रकार से क्या होगा, वो खत्म होते जाएगा। तो हमने तो देख लिया बॉटल में, लेकिन आने वाले समय में जो बच्चे होंगे वो किसी में भी अगर नहीं देख पाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या एक हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए या पूरे विश्व के लिए हो सकती है। तो पानी को व्यर्थ ना करें, पानी जो है उसको हमें बचाना है, ना कि पानी हमें मिल रहा है तो हम उसको फेंक दें या कुछ भी कर दें। और अगर बारिश का पानी आता भी है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्रिजर्व करके, सरकार ने भी बनाया है कि बारिश का पानी आप धरती के अंदर डाल सकते हो, उसको आप वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। कि पानी को अगर पाइपलाइन लेकर, अगर छत पे कोई पानी जमा होता है
तो उसको हम पाइपलाइन के थ्रू ले जाकर उसको हम नीचे जमीन में गड्ढा खोद के वहां पे डाल सकते हैं, या कई लोग उसको एक आर्टिफिशियल ट्यूब ले लेते हैं, वो अपने ऊपर छत के ऊपर जो भी बना रहता है जिससे पानी नीचे गिरना है वहां पर उसको कनेक्ट करके फिर उसी पानी को कई लोग नीचे गड्ढा जमीन में गड्ढा मतलब अपने ही आंगन में गड्ढा खोद के उसको वापस नीचे डालते हैं, जिससे ये है कि पानी की मात्रा कम ना हो। और पानी बचाकर प्राकृतिक बचाना है हमको, मतलब कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये प्राकृतिक देन है, अगर हम इसको बचाएंगे तभी क्या होगा आगे हम भी जी पाएंगे। जल देता है हमें जीवन का अधिकार, आओ मिलकर इसकी सुरक्षा हेतु करें विचार। मतलब हम जी सकते हैं, कैसे, अगर पानी पिएंगे तो हम जी सकेंगे, इसीलिए हमें इसकी सुरक्षा भी करनी है। अगर हम सुरक्षा इसकी नहीं करेंगे तो आगे जाकर हमने तो हम तो जी ले, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो नहीं जी पाएगी। अब यहाँ पे कुछ कटिंग्स दिए हैं जो आपके बुक्स में भी दिया होगा, जैसे यहाँ पर दिया है कि वाटर द वाटर यू ड्रिंक इवन ड्रॉप काउंट्स, मतलब ये कि एक एक बूंद का जो पानी है वो भी काउंट करता है। जब इंसान को पानी नहीं मिलता है, किसी को भी, हमको, आपको, जब पानी नहीं मिलेगा तो वो एक बूंद ही हमारे लिए इतनी राहत वाली रहती है कि तब ऐसे लगता है कि एक बूंद कहीं से तो पानी मिल जाए। इसलिए हमें जितना भी करना है वो बहुत अच्छे से और सोच समझ के करना है। यहाँ पे दिया है गंगा अमंग 10 डाइंग्स रिवर्स, मतलब कि 10 गंगा जो इतना गंगा जी जो है वो मतलब इतने पावन नदी है, उसके बाद भी उसको किस में इंक्लूड किया जा रहा है कि जो 10 मृत जो रिवर है नदी है उसमें उसको इंक्लूड किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि वहां पर गंदगी डाल दी है, ना तो उसमें जा सकते हैं, ना उसको पी सकते हैं, ना उसमें नहा सकते हैं, तो वो जो भी अवशेष है उसको डाल दे रहे हैं, या जो भी अस्थियां आती है ठीक है वो तो डाल रहे हैं ठीक है, मगर उसके बाद उसको सफाई नहीं किया जा रहा है। जिस हिसाब से अगर सफाई नहीं किया जाएगा तो ये भी जो है वो दूषित हो जाएगी। अब यहाँ पे दिया है, देखिए जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हम यहाँ देखते हैं जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जल हमारे लिए कई तरह से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर है जल हमारे पीने के काम आता है, पीने सबसे बड़ा काम जो है वो तो पीने का है, अगर हमको पानी नहीं मिलेगा तो हम रह नहीं पाएंगे। जल घरेलू कामों में जैसे नहाने, कपड़ा धोने, घर की सफाई करने, खाना बनाने आदि कामों में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि घर के काम में भी क्या है जल का प्रयोग किया जाता है। कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण होता है, अगर फसल की सिंचाई नहीं की जाएगी उसको संपूर्ण रूप से अगर जल नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, फसल होगी नहीं, और फसल नहीं होगी तो अनाज नहीं उगेगा, और अगर अनाज नहीं उगेगा तो हम खाएंगे क्या, तो इसलिए जल महत्वपूर्ण है। जल यातायात के साधन के रूप में उपयोगी है, यातायात के साधन मतलब अगर मशीन जो होते हैं जो मोटर लगे रहते हैं गाड़ी में तो उसमें भी पानी की आवश्यकता होती है, वो भी यातायात के साधन है, तो वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल विद्युत तैयार करने में उपयोगी होता है, पानी से ही क्या होता है बिजली जो है बिजली का उत्पादन होता है, जो टाइड्स होते हैं, जो ज्वार भाटा है, जो तरंगे उठती हैं, धाराएं जो उठती हैं उससे क्या होता है, उससे ही बिजली का उत्पादन होता है। उद्योग धंधों के लिए उपयोगी, उद्योग में भी क्या रहता है जल का उपयोग किया जाता है। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ दिया है जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाई है, मतलब अपने घर में और आप स्कूल में कैसे कर सकते हैं अपने घर में, तो जल रक्षण की विधियां क्या होगी घर में अगर है तो, घर में टाका या टंकी को निर्मित करके जल संरक्षण करना चाहिए, मतलब ये कि हम जल हमारे घर में हम टंकी बना सकते हैं बड़ी सी, या टाका बना सकते हैं और उसमें हम जल को इकट्ठा करके रख सकते हैं। वर्षा जल को पीवीसी पाइप के माध्यम से हैंडपंप या कुएं में डाला जा सकता है। अभी जो वर्षा जल का मैंने बोला था कि हम वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है कि पाइप के थ्रू या आर्टिफिशियल पाइप या वैसे भी पाइप बनता है अलग से, उसके माध्यम से हम उसी जल को क्या कर सकते हैं कुएं में डाल सकते हैं, या हैंडपंप अगर हमने बनाया, अगर घर में हैंडपंप है बोरिंग है तो उसमें भी उसको डाला जा सकता है, नहीं तो अन्यथा अलग से भी एक अलग से गड्ढा बनाकर भी उस पानी को अंदर डाला जा सकता है। ईट और रेत के माध्यम से गंदे पानी को साफ करना, ईट और रेत के माध्यम से क्या होगा गंदे पानी को साफ भी किया जा सकता है। जल संरक्षण की विधियां स्कूल में किस प्रकार से होगा, छत वर्षा जल में पीवीसी पाइप के माध्यम से पानी को टंकी में
जमा किया करना चाहिए, मतलब वहां भी हम पीवीसी पाइप के माध्यम से, जो अगर स्कूल में छत है वहां अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो भी हम पीवीसी के माध्यम से जमा कर सकते हैं। गंदे पानी को पृथककारी छन्ना के माध्यम से उसे अपने उपयोग में के लायक बनाया जा सकता है। अब यहां हम देखते हैं महासागरी परिसंरचना। समुद्र तट पे जब हम जाते हैं, आप लोग भी समुद्र तट पे गए होंगे, तो वहां पर अगर हम जब नंगे पैर से चलते हैं तो होता क्या है कि पाँव में बहुत अच्छा ठंडा सा महसूस होता है। वहां की जो हवाएं होती हैं वो इतनी अच्छी रहती है कि ऐसे लगता है कि कुछ समय के लिए वहीं बैठ जाओ, खाली जो वहां पे वेव्स रहते हैं, जो तरंग रहते हैं, जो लहर होती है उसको सुनते रहो या उसको देखते रहो। इसके अलावा जो मिट्टी की जो खुशबू आती है समुद्र के पास से, वो भी एक बहुत ही अच्छे रूप में हमको महसूस होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। जैसे कि ताल या फिर झील, झील का जो पानी रहता है वो एकदम शांत रहता है। झील के पास जाओगे वहां पे जो कल 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 जो आवाज आती है झील की, या नदियों की जो आवाज आती है वो एकदम शांत आवाज रहती है, तो वहां बैठकर भी हमको बहुत अच्छा मतलब महसूस होता है। लेकिन उसके विपरीत ही महासागर में जो जल होता है वो हमेशा गतिमान रहता है, मतलब वो बहुत ही, वो शांत नहीं रहता है, बहुत ही जोर जोर से मतलब उसकी तरंगे उठती हैं, बहुत जोर से उसकी लहरें आती हैं, उसकी आवाजें आती हैं। तो महासागरों के गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत हम कर सकते हैं, जैसे तरंगे, तरंगे मतलब वेव्स, जो तरंग उठती है, जो लहर उठती है वो उसमें आ जाती है तरंगे में। ज्वारभाटा भी होता है, और धाराएं मतलब कि उस इस इन धाराओं के माध्यम से बिजली का उत्पादन होता है। अब यहां देखते हैं कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को, जो अभी कुछ दिन पहले ही गया है, यहां पर दिया है हम हर एक पानी के स्रोत को बचाएं और स्वच्छ रखने का प्रयास करें। मतलब कि पानी को आप साफ रखेंगे तो आप बीमारी मुक्त भी रहेंगे और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। यहाँ दिया है वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल, जाने कहाँ कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई। 22 मार्च को हुई थी इसकी शुरुआत, विश्व जल दिवस 2018। अब यहाँ हम देखते हैं कि तरंग किस प्रकार से, तरंग को यहाँ पर बताया गया है। समुद्र तट पर गेंद को, अगर हम जैसे मान लीजिए हम समुद्र में जा रहे हैं, समुद्र गए हैं, घूमने गए हैं कहीं भी, तो वहां पर जो वेव्स आते हैं तो वहां पे क्या करते हैं हम, या तो कुछ कपड़ा फेंक देते हैं कई बार ऐसे ही, मतलब एक एंजॉयमेंट के लिए कपड़ा फेंक देते हैं कई बार। कई बार ऐसा होता है कि हम गेंद फेंक देते हैं उस पर, या पत्थर डाल देते हैं। तो जैसे ही हम कुछ भी चीज फेंकते हैं उसमें, तो क्या होता है उसमें एक तरंग उठती है, मतलब वो वेव्स जो रहता है वो ऑटोमेटिकली वो होने लगता है। तो ये जो दृश्य होता है हमको भी बहुत अच्छा लगता है, हम देखते हैं कि देखो अगर वो वेव्स आ रहा है, देखो वो तरंग आ रही है, उसमें बॉल वैसे ही ऐसे लहर में ऐसे करते करते क्या होता है वो बॉल भी आगे चले जाती है, और फिर उसको हम देखते रहते हैं कि वो कितनी दूर जा रही है, वो बॉल कितनी दूर जा रही है। तो ये जो होता है ये तरंग, इसको जो बोला जाता है वो तरंग रहता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है, और कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। मतलब कि सागर में, मतलब आप लोग महासागर या समुद्र के पास तो गए होंगे, तो वहां जब तरंग उठती है और जब वो शांत होती है तो हम हर चीज को नोटिस करते हैं, देखते हैं कि कैसे तरंग उठ रही है और कैसे तरंग शांत भी हो रही है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद कई सारी चीजें हमारे दिमाग में भी आती है कि ये होता कैसे होगा, क्या कारण है इसमें, और बॉल इतने अच्छे से जा रहा है, वो जैसे गया है कई बार वो लौट के भी आ जाता है, और उस लहर में कई लोग नदी मतलब नाव में, नाव भी चलाते हैं या ट्यूब में बैठकर उसमें घूमते भी हैं। तो बहुत सारी चीजें वहां पर होती है। जब समुद्री सतह पर पवन बाहरी है तब तरंगे उत्पन्न होती है, जितने को जितनी हो रोज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती है। मतलब जितनी तेज होगी तरंगे उतनी ही, जितनी तेज हवा होगी उतना ही तेज क्या होगी, तरंग भी होगी। तूफान के तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, मतलब कि अगर बहुत तेज हवा चल रही होगी, तूफान की जो तेज वायु चलती है, तो उससे क्या होगी, तरंगे भी उतनी ही तेज होगी। जितनी हवा अगर तेज चल रहा है तो वैसे ही उसके वेव्स, जो उसके लहर हैं वो भी उतने ही तेज होंगे, और जैसे ही वो
शांत होगा तो वैसे ही उसके जो वेव्स हैं वो भी शांत हो जाएंगे। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, मतलब अगर लहर बहुत तेज आएगी तो अत्यधिक विनाश भी हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूखलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वरीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी जो 2004 में आया था दिसंबर में, वो इसी कारण हुआ था कि 15 मीटर के अंदर की जो ऊंचाई वाली जो विशाल ज्वली तरंगे उठी थी, तो उससे ही क्या हुआ था, सुनामी आया था। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक के गति से चलती है, मतलब कि 1 घंटे में 700 किलोमीटर तक की उसकी मतलब गति रहती है उसकी। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट क्या है, ये हमारे जो इंडिया का जो बॉर्डर था, वो भी जो अंडमान निकोबार में है, वो भी डूब गया था। किससे? सुनामी के कारण। अब ये देखते हैं कि सुनामी का मतलब क्या होता है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है। मतलब ये कि उसका मतलब ये पोताश्रय, पोताश्रय मतलब जो हार्बर्स होते हैं जहाँ पर शिप आते हैं, जहाँ जो तट होता है, वहाँ पर जो शिप्स आके आकर वहाँ पर जो श्रेय लेती है, तो वो जो श्रेय था वो पूरा की पूरा नष्ट हो गया था। यहाँ हम देखते हैं कि सुनामी ने जब तांडव किया था पृथ्वी पर, तो वो किस प्रकार से हुआ था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे इस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा, सुमात्रा कहाँ है, ये इंडोनेशिया में। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सुनामी कहाँ आया था, इंडोनेशिया में आया था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी, मतलब कि रिक्टर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ये नापते हैं कि अगर भूकंप आया है, अगर इस प्रकार से सुनामी आया है, तो वो क्या उसकी गति थी, मतलब नापने का जो मीटर होता है उसको हम रिक्टर बोलते हैं। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धस गई थी, मतलब कि भारतीय जो प्लेट थी वो वर्मा प्लेट के नीचे धस गई थी, और समुद्र तट के आकस्मिक गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया, मतलब कि जब वो प्लेट उसके नीचे दबी तो आकस्मिक जो उसकी अचानक से जो गति होती है वो उत्पन्न हुई थी, और जब वो उत्पन्न हुई तो फिर भूकंप आया था। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापित के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उठी और बहने लगी। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तटों पर जल हटने लगे, मतलब कि जल हटने लगे। ये होता है, ये कि जब कोई तूफान आता है, तो तूफान आने से पहले क्या होता है कि वहां जो तट रहता है वहां से जो पानी होता है वो हटने लगता है। तो सबको उस समय जब सुनामी आया तो सबको ऐसा लगा कि ये एक नया सीन है, ये कुछ नई चीजें हैं जो हमको देखना चाहिए। तो वहां पर हुआ ये कि कुछ लोग जाकर वहां पर फोटोग्राफी करने लगे, कुछ देखने लगे, किसी को आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो रहा है कि वहां से पानी हट रहा है। हो सकता है उनको ये महसूस हुआ होगा कि पानी खत्म हो रहा है क्या सागर का, जिनको आइडिया नहीं है उनको इसी तरह से लगा होगा। तो वो लोग वहां पर बैठ कर मतलब खड़े होकर फोटोग्राफी कर रहे थे, कुछ देख रहे थे, और जैसे ही वो शांत हुआ पानी, मतलब पानी हटने लगा, मतलब वो बहुत तूफान से पानी आने वाला था वहां पर। इसका किसी को आइडिया नहीं था, किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाद में यही चीज पलट के उनके ऊपर आएगी। तो ये जैसे ही पानी हटा, उसके बाद जोर से लहर आई, और वो इतनी तेज लहर थी कि जितने लोग वहां पे खड़े थे, जो वहां पर देख रहे थे इस दृश्य को, सारे ही सारे वो डूब के मर गए थे। इवन उस तट के आसपास जितने घर थे, कितने किलोमीटर्स में जो घर थे वो भी डूब गए थे, वो सारे मतलब उसमें रहने वाले लोग भी डूब के मर गए थे, और बिल्डिंग्स टूट गई थी, कांच टूट गए थे, मतलब बहुत सारी चीजें जो है वहां पर हो गया था। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया था, मतलब वो भी उस समय जो
जो भारत का जो दक्षिण बिंदु है, लास्ट जो है बॉर्डर, जो अंडमान निकोबार में है, जो कि यूनियन टेरिटरी है हम बोल सकते हैं उसको, बोल सकते नहीं है वो, तो वहां पर वो जो इंदिरा पॉइंट थी वो भी डूब चुका था वहां पर। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिक से तरंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं श्रीलंका की और बड़ी तरंगों की लंबाई कम से कम हो गई थी, मतलब कि उस समय भी इतनी लंबी तरंगे थी कि वहां पर जितने लोग थे सारे ही सारे वहां पर डूब गए थे। और ये हुआ था भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, मतलब कि जो जो तट वाले हैं, समुद्री जो एरिया है, वहां पर सबसे ज्यादा जो क्षति हुई थी वो था तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। मतलब यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ था, जान जान का भी हुआ था, और उनके जो भी थे, घर डूब गए, उनको खाने को नहीं था, ये सारी चीज़ें। और ये जो है तमिलनाडु का ही एक सुनामी का विनाश का दृश्य है, किस प्रकार से ये देखिए, ये जो लहर आ रही है ये उच्च, पहले यहाँ पूरा पानी खत्म हो गया, उसके बाद ये लहर जो आई थी ये बड़ी जोर से आकर जितने लोग यहाँ पर थे इन सबको वो डुबा के ले गया था। अब ये डूबने के बाद ये देखो किस प्रकार से जो आसपास का जो भी शहर, ये जो भी है, घर है, झोपड़ी है, जो लोग थे सब बह गए थे पानी में। मतलब बहुत सारा जो नुकसान यहाँ पर हुआ था। दिसंबर 2004 में जिस भूकंप में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया को तटों पर तबाही मचाई थी, पिछड़े कई सौ वर्षों की सार्वजनिक विनाशकारी सुनामी थी। मतलब ये कि पिछले 100 साल में ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसे सुनामी नहीं आया था जो अभी इस प्रकार से 2004 में आया था। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है। मतलब ये कि तटीय क्षेत्र जो तट होता है वहां पर जल पहले एकदम से कम हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि कुछ नई चीज हमको देखने मिल रहा है, फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है, उसके बाद फिर वो जो तरंगे जो उठती हैं वो इतनी विनाशकारी रहती है कि इसमें अगर वहां पर उस समय कोई खड़ा है तो उसका बच पाना नामुमकिन है। मतलब वो बचेगा ही नहीं, वो पानी में पूरी तरह से बह जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो क्षेत्र में जब पानी आया होगा इतनी जोरों से तो वो किस प्रकार से आया होगा। ये थी तरंगे के बारे में। अब हम देखते हैं ज्वारभाटा। ज्वारभाटा यह है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वारभाटा कहलाता है। मतलब उठना मतलब ज्वार, और जब वही तरंगे जब गिरती हैं महासागरीय जल की, जब वो गिरता है तो उसको हम बोलते हैं भाटा। तो दिन में 2 बार नियम से वही उठेगा और फिर गिरेगा, तो ये कहलाता है ज्वारभाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। मतलब ये कि जब वो बहुत तेजी से वो उठेगा और उस हिस्से को डुबा देगा, तट के बड़े हिस्से को डुबा देगा तो वो होता है ज्वार। और जब उसे उसे ज्वार कहते हैं जब जल अपने नियमित स्तर तक आ जाए एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। मतलब ये कि जब वो निम्न स्तर पर आ जाएगा तो वो भाटा कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ सुनामी के कुछ और भी दृश्य दिए हैं कि देखिए किस प्रकार से ये पूरे जो है, पहले पानी कम, फिर उसके बाद ये पूरे की पूरे जो तट पे जो थे, मतलब ये तट भी नहीं है, तट तो यहाँ कहीं बीच में रहा होगा, जो वहां से बहकर ये पूरे की पूरे पानी, यहाँ पर कुछ होटेल्स बने हैं, कुछ रिसोर्ट हैं या फिर घर होंगे, जो घर तक ये पूरे की पूरे घुस गए हैं। अब ये देखो ये रिहायशी एरिया है। अब इस रिहायशी एरिया में कितनी जोरों से पानी आया है कि जो लोग थे उनके घर भी डूब गए और लोग भी डूब गए, और वो बह गए पानी में, कहाँ गए इसका कुछ भी पता ही नहीं चला। यहाँ भी देख सकते हैं ये तरंगे कितनी विशाल तरंगे हैं, ये सारी तरंगे, तो ये पूरे सुनामी के ही चित्र हैं। ज्वारभाटा के बारे में अब हम देखते हैं विस्तृत में। ज्वारभाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वारभाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। मतलब ज्वारभाटा मतलब एक तो वो
उठेगी लहर, फिर दूसरा वो गिरेगा। तो उठने और गिरने की जो जल का जो रहता है वही कहलाता है ज्वारभाटा। ज्वारभाटा वे तरंगे हैं जो सागरीय तरंगे हैं जो पृथ्वी चांद और सूर्य के आपस के आकर्षक से उत्पन्न होते हैं। मतलब ये कि जब पृथ्वी चांद और सूर्य जब आपस में आकर्षित होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ज्वारभाटा। चंद्रमा के आकर्षित शक्ति का पृथ्वी के सागरीय जल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अब यहां देखेंगे नीप मतलब लघु। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की समाप्ति या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर संयोग बनाते हैं। इस कारण सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के जल को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित करते हैं। फलतः इस समय उत्पन्न ज्वार औसत 20% कम होते हैं। इसे लघु या निम्न मतलब जब छोटे ज्वार जब उत्पन्न होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, निम्न या लघु। वैसे ही हम दीर्घ वाला देखते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधे रेखा पे रहते हैं, तो इसे के कारण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। मतलब ये जब बहुत बड़े मात्रा में होता है, जब तीनों पृथ्वी मतलब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही लाइन पे रहता है तो ये क्या होता है, 20% अधिक उठता है। तो इसे बोलते हैं वृहद या फिर स्प्रिंग टाइड। यहां पर हम चित्र में देख सकते हैं इसी प्रकार से ये जो है निम्न है मतलब लघु ज्वार है क्योंकि ये एक चौथाई हिस्से में जा रहा है और ये तीनों एक ही उसमें है मतलब ये अमावस्या या पूर्णिमा के समय का है। तो ये हो जाता है वृहद ज्वार भाटा और ये है लघु ज्वार भाटा। महासागरीय धाराएं को देखते हैं। निश्चित दिशा में महासागरीय सतत पर नियमित रूप से चलने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। मतलब ये जो धाराएं होती हैं ठंडी भी हो सकती हैं और गर्म भी हो सकती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उष्णकटिकोष्ठ या निम्न आकांक्षाओं की ओर प्रभावित होती है। लेबराडोर यहाँ हम चित्र में इसको देखते हैं। जैसे यहां पर ये वाला जो एरिया है ये लैब्राडोर में जो है इसमें दिया है कि जो गर्म है और ठंडी धाराएं मिलती है। मतलब लैब्राडोर जो है वो ठंडी है और जो लाल वाली है ये गर्म है। जब ये ठंडी और गर्म धाराएं जहां भी मिलती हैं तो यहाँ का जो जो मौसम होता है वो बहुत ही सूक्ष्म मतलब कि ह्यूमिडिटी वाला हो जाता है या हम बोल सकते हैं कि गर्म गर्म और ठंडा वाला जो एरिया रहता है जब वो दोनों मिलते हैं तो वो बहुत ही फर्टाइल या उपजाऊ एरिया हो जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी मत्स्य पालन जो कर रहा है, जो मछली पकड़ रहा है, तो उस समय यहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं बहुत इकट्ठा होती हैं, तो यहाँ पे जो मछली पकड़ने वाले रहते हैं मछुआरे, उनका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चलता है। वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं हम करेबियन सी के पास के है और विश्व की जो धाराएं मतलब ये जो है ये ठंडी धाराएं और ये वाली जो है गर्म धाराएं, तो ये अमेरिका में है, ये अफ्रीका के पास है, और सेम वैसे यहां पर आएंगे जापान के पास तो ये वाली ठंडी धारा है और ये गर्म धारा है। तो यहाँ पे जो भी होगा यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही नॉर्मल या निम्न रहता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप जो मत्स्य पालन है, जो मछली पालन का जो काम करेंगे, उस समय यहाँ पर गोताखोर आकर या फिर जो मछुआरे रहते हैं यहाँ पर आकर बहुत अच्छा मछली वगैरह यहाँ पर पकड़ के अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर वो आएंगे, ये ऐसा एरिया है कि जहाँ पर मत्स्य पालन, ये जो है ये ठंडी धाराएं, ये गर्म धाराएं, जब ये दोनों मिलती हैं, जब ये मिलती हैं तो यहाँ पर मछलियां क्या करती हैं, आने लगती है। बहुत ठंडी या बहुत गर्म अगर एरिया है तो वहां पर मछली क्या होगा, वहां पर जिंदा नहीं रहती, मर जाती। बहुत ठंड से भी मछलियां मर जाती हैं और बहुत गर्मी से भी मछलियां मर जाती हैं। तो इस प्रकार से ऐसी जो धाराएं होती है वहां पर मत्स्य पालन जो है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। ये हम देख सकते हैं, ये अमेरिका का है, ये अफ्रीका वाला लैब्राडोर वाला एरिया है और ये जापान वाला एरिया है। निम्न प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले इसमें दिया है कि वर्षण क्या कहलाता है। सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन था, जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहां वर्षा हिम ओस अथवा सहिम वृष्टि के रूप में
धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है उसे बोलते हैं, उसे वर्षण कहला, वो वर्षण कहलाता है। जल चक्र देखते हैं, जल चक्र क्या है? जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है उसे जल चक्र कहते हैं। मतलब वो पानी नीचे आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा वाष्प से, फिर नीचे आएगा। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जल की मात्रा, वायु की गति और सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, ये तीन जो हैं जो लहरों को प्रभावित करते हैं। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, महासागरीय जल के लवणता की मात्रा, वायु की गति, तापीय अंतर, पृथ्वी की घूर्णन गति। ज्वारभाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न हुआ? दिन में 2 बार नियम से महासागर जल का उठना एवं गिरना ज्वारभाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है तब तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षक शक्ति के कारण ज्वारभाटा उत्पन्न। महासागरीय धाराएं क्या है? महासागरीय धाराएं निम्न दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती है। किसको? ऊपर बीच ये तो आया, किसको? मिटन कारण समुद्र जल की नमकीन होता है। महासागरों में अधिकांश जल नमक, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl2 या खाने के उपयोग किए जाने वाले नमक होते हैं। समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। समुद्र के जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, किंतु लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण ना हो सकने कारण से समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं। इससे समुद्री जल जो लवणता निरंतर बढ़ती रहती है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, कारण ये है कि मनुष्य की क्रियाकलापों में काफी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। उद्योगों से निकलने वाले रसायन युक्त जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। घरों में निकलने वाली प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। अब यहाँ सही उत्तर देखते हैं हम। यह प्रक्रम जिससे जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है वो है जल चक्र। सामान्य गर्म महासागर धाराएं उत्पन्न होती हैं भूमध्य रेखा से। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है ज्वारभाटा। अब इसमें जोड़ी बनाना है। कैस्पियन सागर, विशाल झील, ज्वारभाटा जल में आकर्षित चढ़ाव एवं उतार, सुनामी, तीव्र भूकंपी तरंगे, महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जल धाराएं। बिल्कुल अब ये क्लास जल देता है हमें जीवन का अधिकार, तो इसलिए हम जल के बारे में सोचें और विचार करें और जल को ज्यादा वेस्ट न। इसी से अब ये क्लास समाप्त होती है। थोड़ा सा बड़ा हो गया।